गाइस, इसका चेहरा देखने बहुत ही खतरनाक लग रहा है, ये बहुत ही डेंजरस लग रहा है, ये साबित कर दिया। गाइस ये देखिए, मोर ने अपना पंख खोला हुआ है भाई, यहाँ बोट राइड भी हो रही है। हेलो गाइस, तो आज मैं आया हूँ सारनाथ के चिड़ियाघर में और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि सर्दियों में चिड़ियों की लाइफ कैसी होती है, यहाँ जो चिड़ियाघर में जो जानवर लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं, पानी में रहते हैं या फिर वो धूप सेकते हैं, क्या करते हैं, ठंडियों में कैसे अपना गुजर बसर करते हैं, उन्हें क्या खाने को मिलता है, तो चलिए देखते हैं। और दोस्तों साथ में आए हैं राजा भैया और साथ में आए हैं मनोज, तो चलिए चलते हैं। एक बार हाथ तो हिला दीजिए, सबको हाय तो कर दीजिए, खाली बस मुस्की मारेंगे। अरे हम तो मुस्की मार के सबको उठा कर लेंगे। तो गाइस वो देखिए मछली धूप ले रही है। देखिए कितनी कलरफुल मछलियां हैं यहाँ पे, व्हाइट है, ऑरेंज है, ब्लैक है और ये सब के सब जो है पानी के ऊपरी सतह पर है, धूप की किरणें आ रही हैं तो धूप ले रही हैं। तो गाइस देखा आपने, मछलियां भी धूप ले रही हैं, उन्हें भी ठंड लगती है और जहाँ पे धूप की किरण आ रही है वहीं पे सारे के सारे मछलियाँ इकट्ठा हो गई हैं। तो गाइस ये देखिए, ये है एमू और इसका वजन जो है 50 से 55 किलो का है, यहाँ पर डिटेल इसका लिखा हुआ है। और यहाँ तो धूप नहीं आ रही है, बहुत कम धूप आ रही है यहाँ पे। और दो हैं यहाँ पे, और भी हैं, कुछ खिलाओ। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। पानी भी काफी गंदा है ना, साफ नहीं है, जमा हुआ। साफ सफाई थोड़ी नहीं इतना कम करता है। कौवा साला इसके अंदर कहाँ से? गाइस इसका चेहरा देखने बहुत ही खतरनाक लग रहा है, ये बहुत ही डेंजरस लग रहा है, ये साबित कर दिया। जाली में सब फोटो उतने क्लियर नहीं आ रही है, बट आप इसको क्लियरली देख सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। लो गाइस वो देखिए, उसका सामने बेडरूम दिख रहा है, वहीं लोग विश्राम आराम काम करते हैं। ये है लंबी चोंच वाला बगुला, इसको जाली में से दिखाना थोड़ा मुश्किल है, मैं आपको दिखाऊंगा। कितना क्यूट लग रहा है। मोर भी है मनोज, मोर भी है। उधर गया, उधर गया मोर। ये तो तीतर है ना, ये वाला, ये वाला। चलिए वहाँ पे तो देख कर लेते हैं, जो आ रहा है मोर है। ये सब कुछ सब धूप में खेलने लग रहा है, सब धूप में खेल रहे हैं, नहा रहे हैं, मतलब यहाँ पे कई प्रजाति के भी हैं सब। हाँ बत्तख है, बकला है, सार्स है, मोरनी है। सार्स गाइस ये देखिए, मोर ने अपना पंख खोला हुआ है, अब इधर का करे किस प्रकार से इसने अभी खोला है गाइस, वाह कितना मजा आ रहा है, सन्नाटे में आया करके खोला हुआ है पंख अपना। मनोज बोल रहे हैं कि मोरनी को सेट कर रहा है। देखिए ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा सीन है यहाँ पे, किस प्रकार से मोरनी के पास, किस प्रकार से मोरनी के पास वो जो है, किस प्रकार से मोरनी के पास वो नाच रहा है, देखिए पंख फैला करके। गाइस ये देखिए कितने सुंदर इसने पंख फैलाया है और पास में इसके मोरनी भी है, ये देखिए, और दोनों में वार्तालाप हो रहे हैं। देखिए ये देखिए इनके क्रीड़ा, देखिए दो दो मोरनी है और साथ में एक मोर है जिसका बड़ा सा पंख है, कितना लाजवाब पंख है इसका। ये जाली के अंदर से दिखाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बीच में जाली आ जा रही है तो फोकस बिगड़ जा रहा है मोबाइल का, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे। तो भाई यहाँ सारनाथ में सबसे खतरनाक जानवर जो है ना वो यही है,
घड़ियाल। भाई घड़ू भाई अपने आराम से धूप फरमा रहे हैं और एक मगर घड़ियाल है, एक मगर है साथ में और घड़ियाल है, दोनों घड़ियाल ही दोस्तों, छोटा बड़ा है। ऐसे सब बैठे रहते हैं जैसे लगता है कि सब जिंदा ही नहीं है, बिल्कुल एकदम स्थिर है और धूप ले रहे हैं तो ठंडी में ये हाल है। तो अगर ये गर्मी होता तो हो सकता है पानी के अंदर होते इस समय और देखने को नहीं मिलते आपको, और ठंडी के समय में ये पूरे पूरे बाहर है। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी देर से पानी में नहीं गए हैं ये सब, और बाकी पानी में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गैस ये देखिए यहाँ पर मगरमच्छ भी हैं, क्रोकोडाइल, तीनों को तीनों आराम कर रहे हैं धूप में बिल्कुल, और पानी में लगता है कि काफ़ी देर से नहीं गए हैं सब। यही सब यहाँ पे देखने लायक चीज़ें हैं सारनाथ में। भयंकर कटा है साहब, एक तो वीडियो मैंने देखा था इसमें वो था टाइगर के साथ लड़ाई करता है और कैसा कटा छोड़ता है कि टाइगर खूने खून जाता है, सब के सब आराम कर रहे हैं, खतरनाक है। इसका नाम है शाही। दोस्तों वहाँ आपको हिरन दिखाई दे रहे होंगे और कुछ बारहसिंघा भी वहाँ पे हैं। यहाँ काफ़ी दूरी पे है तो आपको क्लियर उतना नहीं दिख रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हो रही है बोट राइड, वो देखिए कैसे लोग मज़ा ले रहे हैं अपने फैमिली के साथ। बिल्कुल खिली खिली सी धूप है और साफ पानी है और झील काफ़ी बड़ी भी है, वो छोटी भी नहीं है, और पैडल बोट है, आराम से पैडल मारिए और इन्जॉय कीजिए। भाई यहाँ बोट राइड भी हो रही है, यहाँ एक बोट रखी हुई है और यहाँ पे लोग बोट राइड का भी आनंद ले सकते हैं। इस पिंजरे में सिर्फ तोता ही भरे हुए हैं, दोस्तों देखिए यहाँ पे चिड़िया है बहुत सारी, सबका अलग अलग, सारी प्रजाति की चिड़ियों को एक अलग अलग पिंजरे में बड़े से रखा गया है, और ठंड से बचने के लिए पिंजरे के दोनों तरफ जो है वो ग्रीन पर्दे से ढक दिया गया है ताकि हवा कम लगे सर्दियों में, वरना पक्षियों के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इन्हें भी थोड़ी गर्मी चाहिए होती है। तो आप देख सकते हैं सारे जो केज बने हुए हैं उसमें पर्दे से रोक दिया गया है। गैस ये है लपका लव बर्ड नाम से चिड़िया है और काफ़ी कम है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं है, जाने के अंदर से दिखाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्लियर दिख नहीं पा रहा है आप लोगों को। तो दोस्तों ये कौन सा जानवर है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे तो पता नहीं चल रहा है, और इसमें जो सामने जो डिटेल लिखा हुआ है उसमें दिख नहीं रहा है, स्टार बक लिखा हुआ है, ब्लैक बक, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ये कौन सा जानवर है। तो गाइस हम लोग अब घूम चुके हैं चिड़ियाघर, और आपने देखा यहाँ पे घड़ियाल, मगरमच्छ, कुछ चिड़िया भी थे, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रजातियाँ नहीं है जानवरों की और पक्षियों के भी बहुत कम है, बट यहाँ पे लोग इन्जॉय करने आते हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ एक बार। और ये सब सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये इसके अंदर मछली भरी हुई है, पूरी पानी भरा हुआ है, उसके अंदर मछलियाँ तैर रही हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। तो अब हम लोग चलेंगे घर की तरफ, सब लोग आ रहा है, और आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसी होती है ठंडियों में क्या होता है जानवरों की लाइफ जो है उनका थोड़ा बहुत ख्याल रखा जाता है, और जैसा कि आपने देखा कि जो पक्षियों के लिए जो पिंजड़ा बना हुआ था उसमें दोनों तरफ पर्दे से ढक दिया गया था ताकि हवा, ठंडी हवा का असर कम मिले वहाँ पर, और अब मछलियाँ भी धूप ले रही थी, अब धीरे धीरे सब अंदर जा रही हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था, कल मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।